देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई प्रेस, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। सलमान खान ने दो दिन पहले देर रात को ये अनाउंसमेंट कर दिया कि वो अपनी आने वाली फिल्म इंशाल्लाह में काम नहीं कर रहे। उसके बाद कहीं ना कहीं बॉलीवुड जगत शॉक में है। यहाँ पर किसी को ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार सलमान खान ने ये फिल्म क्यों छोड़ी। वहीं आपको बता दें कि हाल ही में खबरें सामने आ रही जहां पर ये सुनने में आ रहा है कि सलमान खान ने इस फिल्म के लिए एक बड़ी रकम की डिमांड की थी, यानी कि सलमान खान ने लगभग 100 करोड़ के आसपास के रेम्यूनरेशन मांगा था, जिसे कहीं ना कहीं डायरेक्टर संजीला भंसाली ने इनकार कर दिया। वहीं आपको बता दें कि एक और बात सामने आ रही जहां पर ये बताया जा रहा है कि संजीला भंसाली ने ये कहा कि आपको इंशाल्लाह फिल्म पर लगभग 4 महीने लगातार काम करना है, क्योंकि सलमान खान का बहुत ही जल्द बिग बॉस सीजन 13 भी टीवी पर आने वाला है। ऐसे में सलमान खान आखिर क्या करते, उन्होंने इस फिल्म को होल्ड पर डाल दिया है। वहीं मेकर्स ने इस पर चुप्पी तोड़ते हुए ये कहा कि वो बहुत ही जल्द फिल्म बनाएंगे, लेकिन वो आखिर किसके साथ बनाएंगे, कब बनाएंगे, ये अभी तक तय नहीं है। लेकिन ये कहीं ना कहीं फैंस के लिए एक शॉकिंग बात है, क्योंकि इंशाल्लाह की कुछ दिनों की शूटिंग चालू हो चुकी थी और अचानक फिल्म बंद होने से लोग काफी टेंशन में है। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो मुंबई प्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलेगा।